बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद भी चिराग पासवान काफी खुश हैं। चिराग ने कहा कि एलजेपी के उम्मीदवार कई जगहों पर दूसरे नंबर पर थे। चिराग ने आगे कहा कि हम मजबूत हुए हैं और 2025 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ी ये हर कोई जानता है। हमने रणनीति बेहद कम समय में बनाया, फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन किए। हमारी नींव जो है वो मजबूत हुई है। आपने कहा मैं यकीनन मैं चाहता था कि हम लोग ज्यादा चुने, सीटें हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते, ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग 99% पर हम लोग गए हैं। जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा था नहीं, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा की परिभाषा क्या है। आपने कहा मैं यकीनन मैं चाहता था कि हम लोग सीटें ज्यादा लड़े, मैं जीते, ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग 99% पर हम लोग गए हैं। जो हम लोग को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा था नहीं, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा साझेदारी में बधाई का अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है पिछले 2015 के चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा,